मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों की राय इस मामले पर अलग अलग थी, जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने बताया कि हमारे अलग विचारों के चलते मामला चीफ जस्टिस को भेजने की सिफारिश हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिन की सुनवाई की थी, जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तभी से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। फैसले के दौरान जस्टिस धुलिया ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ाई करने आती है। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करता हूँ। वहीं दूसरी ओर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरे विचार से इन सभी सवालों के जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाते हैं, मैं अपील खारिज कर रहा हूँ। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपील करा है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने तीन पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन इम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज़ का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई, तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। देखिए, आज का जो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट अप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नए बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। दो जजेस का भी अभी डिसीजन आया है, तो 2 से ज्यादा का बेंच, चाहे 3 हो या 5 हो, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो ऑर्डर लिया जाएगा चीफ जस्टिस द्वारा कि वो ये अब मैटर किस बेंच के सामने लगाया जाएगा। जितनी बहस अभी इस बेंच के सामने हुई थी वो सारी बहस फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि मैटर जो है नए सिरे से बहस किया जाएगा नए बेंच के सामने। गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं, क्योंकि उस गर्ल चाइल्ड का, उस गर्ल स्टूडेंट का, उस शिक्षिका का जीवन जो है वो भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या उसके जीवन को आसान कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थे, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए, उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी नहीं कर सकती थी, ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है नहीं है, और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर SLP स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है, जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पर ही सारे SLPs को अलाउ किया है।